ग्रामीण सफाई कर्मचारी काम के लिए सरकार से कोई प्रोत्साहन राशि के लिए नहीं बल्कि जायज वेतन व पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। सरकार को तुरंत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत कर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए ताकि गांव में फिर से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। यह बात ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला वरिष्ठ उप प्रधान सुनील कुमार ने बट्टूकला के वीडियो ब्लॉक कार्यालय में हड़ताल के 46वें दिन धरने को संबोधित करते हुए कही। शुक्रवार को धरने का संचालन रोड़ीराम ने किया। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार के रवैये के प्रति रोष जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी गांवों में सफाई कर्मचारी पक्की नौकरी व समान काम वेतन के लिए मांग कर 46 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं। हड़ताल का कारण प्रदेश में गाँव में सफाई व्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई है। सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो गांव शहर सफाई श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आएगा उस गांव में वह शहर के सफाई कर्मचारियों को सफाई समान भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी की काम पर ही नहीं जाएंगे तो गांव में सफाई कैसे होगी। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सफाई कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर BDPO कार्यालयों में हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का कोई मंत्री उनसे बातचीत तक कोई करने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन कर्मचारियों में भारी निराशा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। इस धरने में सिंगाराम, राजेश, प्रताप, रामस्वरूप, राजेंद्र, घड़सीराम, विजय, सरजीत, राजेश, राजेंद्र, बंसी, अमित सहित